हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी लूप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो सिनेमा के ऊपर अवेलेबल कुछ बहुत ही शानदार वर्ल्ड क्लास वेब सीरीज के बारे में, जिनमें आपको एक काफी शानदार कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। और साथ में ये सभी सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी लिस्ट की पहली सीरीज है चेर्नोबिल। चेर्नोबिल 2019 में आई एक हिस्ट्री ड्रामा सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की कहानी की बात करें तो सीरीज की कहानी एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है, जिसमें हमें 1986 के टाइम के सोवियत यूनियन को दिखाया गया है, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है सोवियत यूनियन की एक सिटी पेत्रियात में बने हुए एक न्यूक्लियर प्लांट की, जहाँ पर एक छोटी सी गलती हो जाने की वजह से पूरे न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास के एक बहुत ही बड़े इलाके में रेडिएशन लीक होना स्टार्ट हो जाता है। अभी सिचुएशन में पेत्रियात के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट और दुनिया के बाकी बचे लोग क्या कुछ करते हैं, ये सब आप इस सीरीज में देख सकते हो। ये एक पूरी तरह से मास्टरपीस सीरीज है, जिसे आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। इस सीरीज को IMDb पर 9.3 की रेटिंग्स मिली हुई है। इसका टोटल एक सीजन है, जिसमें हमें 5 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। अगली सीरीज है ट्रू डिटेक्टिव नाइट कंट्री। ये 2023 में आई एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की कहानी की बात करें तो सीरीज में डिटेक्टिव डेनवर्स की कहानी दिखाई गई है, जो इन्वेस्टिगेट कर रही होती है अलास्का में मौजूद एक रिसर्च सेंटर से अचानक से गायब हुए साइंटिस्ट के केस को। अब आखिर ये सारे साइंटिस्ट अचानक से कहां गायब हो गए और इसके पीछे का रीजन क्या होता है, ये सब आप इस सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज को IMDb पर 8.9 की रेटिंग्स मिली हुई है। ट्रू डिटेक्टिव नाइट कंट्री के टोटल 6 एपिसोड्स है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। अगली सीरीज है द लास्ट ऑफ अस। ये 2023 में आई एक एडवेंचर सर्वाइवल सीरीज है। इस सीरीज को द लास्ट ऑफ अस नाम की एक वीडियो गेम से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। इस सीरीज में एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया को दिखाया गया है, जिसमें एक जोम्बी फंगस वायरस फैलने की वजह से लगभग पूरी दुनिया के इंसान खत्म हो चुके हैं और जो भी इंसान बचे हुए हैं उनका सर्वाइवल बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसी में हमें कहानी देखने को मिलती है जोल और उसकी बेटी की, जो इस सिचुएशन के दौरान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस दौरान इनको किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है और कहानी में आगे क्या होता है, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। द लास्ट ऑफ अस को IMDb पर 8.7 की रेटिंग्स मिली। इसका अभी तक एक सीजन आया, जिसमें हमें टोटल 9 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। अगली वेब सीरीज है सक्सेशन। ये 2018 में शुरू हुई एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की कहानी की बात करें तो इस सीरीज में एक बहुत ही रिच और पावरफुल फैमिली की कहानी दिखाई गई है, जिसका नाम होता है रॉय फैमिली। और इस फैमिली का हेड होता है लोगन रॉय, जो कि मालिक होता है दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी का। अब इन सभी लोगों की अच्छी खासी चलती हुई लाइफ उस टाइम खतरे में आ जाती है, जब लोगन का बेटा उसके पूरे बिजनेस एम्पायर को टेक ओवर करने की कोशिश करता है। अब इसके बाद फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज को IMDb पर 8.8 की रेटिंग्स मिली हुई है। इसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं, जिसमें हर सीजन में लगभग 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। अगली वेब सीरीज है हाउस ऑफ द ड्रैगन। ये 2022 में आई एक एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज है। हाउस ऑफ द ड्रैगन्स गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज की प्रीक्वल है, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट से लगभग 170 साल पहले के टाइम की, जिसमें दो सिबलिंग्स की कहानी को दिखाया गया है, जो अपने फादर की मौत के बाद अपने फादर की जगह खुद रूल करना चाहते हैं। अब इसके बाद फिर कहानी में क्या कुछ होता है, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 8.4 की। इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, जिसमें हर सीजन में लगभग 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। नेक्स्ट वेब सीरीज है योर ऑनर। ये 2020 में आई एक थ्रिलर वेब सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की कहानी की बात करें तो इस सीरीज में एक ईमानदार जज माइकल की कहानी को दिखाया गया है, जिसकी लाइफ उस टाइम पूरी तरह से बदल जाती है जब उसके बेटे से एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपने कार से एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर के बेटे को जख्मी करके वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। अब उसके बाद फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज को IMDb पर 7.6 की रेटिंग्स मिली हुई है। इसके अभी तक 2 सीजन आए हैं, जिसमें इसके हर सीजन में लगभग 10 एपिसोड्स है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। तो दोस्तों, ये थी जियो सिनेमा के ऊपर अवेलेबल कुछ बहुत ही शानदार वेब सीरीज, जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। और साथ में ये सारी सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।